मेरी बनारस यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत हुई बनारस शहर के बीचों बीच बने गिरजाघर चौराहे से। कहते हैं लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु के 12 अपोस्टल्स में से एक सेंट थॉमस भारत यात्रा के दौरान मद्रास से चलकर काशी पहुंचे थे। यहां उन्होंने गिरजाघर इलाके में प्रवास किया था जहां उस वक्त जंगल हुआ करता था। कुछ ही कदमों की दूरी पर आता है गोदोलिया चौराहा जो कि बनारस का केंद्र बिंदु है। 12 महीने 24 घंटे गुलजार रहने वाला यह चौराहा वैश्विक महामारी के चलते इन दिनों कुछ गुमसुम सा दिखा। यहां खाने पीने की कई दुकानें हैं। बनारस आए और यहां की ठंडाई न पिए ऐसा कैसे हो सकता है। इसे यहां मिश्राम्बू भी कहा जाता है। यहां से मैंने चलना शुरू किया दशाश्वमेध घाट की तरफ। दोनों तरफ की दुकानों में आम दिनों भीड़ लगी रहती है। वैसे यहां सामान टूरिस्ट रेट पर ही मिलता है। यहां संभल कर चलना पड़ता है क्योंकि बनारस की ठगी भी अपने आप में खास ही है। आगे आता है बृहस्पति मंदिर और उस मंदिर से ठीक पहले आती है यहां की मशहूर विश्वनाथ गली। यदि सीधे गए तो हम पहुंच जाएंगे दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट को मैंने शाम के शेड्यूल में रखा था इसलिए यहां से इस गली में प्रवेश करके अब मैं पहुंच चुका हूं पक्का महल में। जी हां, इन गलियों और टोलों मोहल्लों वाले इलाके को यहां पक्का महल कहा जाता है। इस गली का नाम रखा गया है यहां के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर। वाराणसी का पवित्र विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहां रखा गया शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कई शासनों के दौरान इसका स्वरूप बदलता रहा है। इसका वर्तमान स्वरूप अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया है जिस पर पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने सोने का छत्र चढ़वाया था। मंदिर से कुछ ही दूर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों में खाद्यान्न की माता कहा जाता है। कहते हैं कि माता ने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। इसकी विशेषता यह है कि इस मंदिर का गेट साल में सिर्फ 4 दिन के लिए ही खुलता है। धनतेरस के दिन तो यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ती है क्योंकि इस दिन माता का खजाना बांटा जाता है। आगे यह गली खत्म होती है बांस फाटक पर। यहां पास ही है चौक इलाका जो कि मैदागीन से लेकर गोदोलिया के बीच में पड़ता है। यहां पर भी वो मान्यता लागू होती है जिसमें कहा जाता है कि बनारस शिव भगवान के त्रिशूल पर बसा है। चौक इसका केंद्र है जिसके दोनों तरफ ढलान उतरती है ठीक वैसे ही जैसे त्रिशूल के बीच की नोक के दोनों तरफ ढलान होती है। यहां से चौक की तरफ जाते हुए दाहिनी तरफ एक बड़ा सा गेट आता है जिसका नाम है मणिकर्णिका द्वार। यहां से दोबारा गलियों में प्रवेश करके मैं आगे चल पड़ा। यह है यहां की मशहूर राजबंधु स्वीट्स। यह रास्ता कचौड़ी गली की तरफ जाता है। बनारस जितना मंदिरों और घाटों में बसता है उतना ही यहाँ की गलियों में भी बसता है। गलियों के नाम उनकी विशेषताओं पर रखे गए हैं जैसे खोआ गली, कचौड़ी गली, लट्टू गली इत्यादि। वैसे इन गलियों की गालियाँ भी कलात्मक ही होती हैं। आगे बढ़ने पर आती है एक विश्व प्रसिद्ध लस्सी की दुकान जहाँ आम दिनों में विदेशियों का तांता लगा रहता है। गलियों का जाल पार करके अब मैं पहुँच चुका था मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के बारे में मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आजकल पक्का महल और घाटों पर काशी विश्वनाथ धाम का कार्य जोरों शोरों से जारी है। वाराणसी से सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यहां से मैंने शुरू की अपनी आज की घाट वॉक। मणिकर्णिका घाट के उत्तरी ओर लगा हुआ है 150 साल पुराना सिंधिया घाट जिसे शिंडे घाट भी कहा जाता है। इस घाट के ऊपर काशी के अनेकों प्रभावशाली लोगों द्वारा बनाए गए मंदिर स्थित हैं। यह संकरी घुमावदार गलियों में सिद्ध क्षेत्र में स्थित है। यहां हिंदू लोग वीरेश्वर की अर्चना करते हैं और पुत्र कामना करते हैं। इसके बाद आता है संकटा घाट। इस घाट के ऊपर संकटा माँ का मंदिर है जहां की मान्यता है कि यहां के दर्शन मात्र से भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान एक पैर पर खड़े होकर संकटा माँ की पूजा की थी। इसके साथ ही बना है गंगा महल घाट। यहाँ एक और गंगा महल घाट है जो कि बनारस के दक्षिणी छोर पर बसा है। यह है भोसले घाट जिसे 17वीं सदी के आखिर में नागपुर के भोसले महाराज ने बनवाया था। यहाँ पर मराठा स्थापत्य कला का प्रतीक महल आज भी मौजूद है। इसके बाद अपनी इस घाट वॉक में राम घाट, जटार घाट, ग्वालियर घाट और बालाजी घाट होता हुआ मैं पहुंचा पंचगंगा घाट। इसे पंचगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे 5 नदियों गंगा, विशाखा, दूधपापा, यमुना और किरणा के संगम पर बनाया गया है।
इन पांच नदियों में से आज केवल गंगा को ही देखा जा सकता है। बाकी की चार नदियां कालांतर में पृथ्वी में समा गईं। इस घाट को वाराणसी के सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र को काशी में स्थित सप्तपुरियों में काचीपुरी क्षेत्र माना जाता है। 14वीं-15वीं शताब्दी में वैष्णव संत रामानंद इस घाट पर ही निवास करते थे। गंगा के इस घाट से ही उन्होंने काशी में राम भक्ति को आंदोलन का रूप दिया। एक दिन संत कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। रामानंद जी उसी समय गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इस तरह रामानंद जी ने राम भक्ति की सगुण के साथ ही निर्गुण धारा को प्रवाह दे दिया। घाट पर आज भी रामानंद संप्रदाय की मूल पीठ श्रीमठ स्थित है। यहाँ श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली मठ के साथ स्थित है आलमगीर मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मुगल शैली में बनी यह मस्जिद उस दौर के उत्कृष्ट कला का एहसास कराती है। अब यहाँ से मैंने फिर रुख किया भूल भुलैया गलियों में। इन्हीं गलियों में चौखंबा इलाके में स्थित है षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर। इसी मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की थी। यहाँ पास ही में स्थित है आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का निवास स्थान। भारतेंदु हरिश्चंद्र को केवल 34 साल की आयु मिली, लेकिन इतने ही समय में उन्होंने गद्य से लेकर कविता, नाटक और पत्रकारिता तक हिंदी का नक्शा बदल कर रख दिया। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना जाता है। अब इन गलियों के जाल को पार करके मैं पहुंच चुका था वाराणसी के बहुप्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। बाबा भैरवनाथ को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि बिना इनकी इजाजत के कोई सीमा में न प्रवेश कर सकता है और न ही यहाँ रह सकता है। यहाँ तक कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी चार्ज लेने के बाद सबसे पहले यहीं माथा टेकने आता है। अब अपनी गली और घाट वॉक समाप्त कर मैं पहुँचा कैंट स्थित अपने होटल। होटल जाने से पहले मिंट एरिया में बने श्रीराम भंडार में कचौड़ी सब्जी और जलेबी का नाश्ता किया। आम दिनों में यहाँ कुछ इस तरह का माहौल होता है। होटल में पहुंचकर कुछ देर आराम किया और फिर से स्नान करके मैं निकल पड़ा लम्ही गांव की तरफ। पूर्वजों द्वारा बनवाया गया एक जो है मकान है, जिसमें कि गेस्ट रूम कहते हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग रहते थे, मेहमान आ गए वही रहते थे, और प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। ये जो है फिर प्रेमचंद जी ने 1930 में जो है इसको मकान का रूप दे दिया। देने का कारण था कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक समस्या अपने परिवार में ही देखा, विधवा समस्या। सोचा कि इतने कम उम्र में विधवा हो रही है तो जाएगी कहाँ। तो प्रेमचंद जी ने ऐसे विधवा से जो है कि शादी किया। हंसरैया हुआ कि इनको जो है कि घर से जो है कि निकाल दिया गया। फिर इसके बाद प्रेमचंद जी आते थे, इसको मकान का रूप देकर लिखने का कार्य जो है ये इसमें करते थे। ये जो है प्रेमचंद का पूरा ये उसी समय का है। प्रेमचंद जी जो है 1930 में ये बनवाया और पूर्वजों द्वारा जो है ये उनका है। बगल उनका कुआं है जिस पर बैठ करके गाँव के लोगों से मिलना जुलना, तो आप बाहर में जाएंगे वो दिखाई पड़ेगा आपको। आज की पीढ़ी को प्रेमचंद को समझना जरूरी लगता है आपको, क्योंकि अब गांव तो रहे नहीं, जब गांव नहीं रहे तो गांव को जानकर क्या करेंगे बच्चे? नहीं, देखिए जो है प्रेमचंद के समय भी जो था तो प्रेमचंद जान रहे थे कि आने वाला समय बदलेगा। अब बदला, सच्चाई जरूर है कि जहाँ की पहले अनाज की खेती होती थी किसानों को पीड़ा लिखी गई, तो पहले अनाज की खेती होती थी, अब पैसे की खेती हो रही है। पहले अनाज लहलहाते थे, अब बिल्डिंग और फैक्ट्री कारखाने लहलहा रहे हैं। शिक्षा से लोग काफी जो है कि दूर थे, लेकिन आज जो है कि गांव में जो है थोड़े थोड़े दूर पर ही जो है कि तमाम विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, तो अब शिक्षा बढ़ी हुई है, शिक्षक बढ़े हुए हैं, शिक्षार्थी बढ़े हुए हैं। तो अब प्रेमचंद को जानेगा या नहीं, कोई प्रेमचंद को नहीं जानेगा। अब तो साधन ज्यादा हो गया है, जहाँ के लोग लाइब्रेरियों में खोजते थे, आज लाइब्रेरी हाथ में पड़ी हुई कि आप उनको बटन दबाइए और पूरा संसार देखिए। तो ऐसी बात नहीं, ये जरूर है कि प्रेमचंद का साहित्य जब तक मानव समस्याएं रहेगी तब तक प्रेमचंद का विचार रहेगा, प्रेमचंद का साहित्य रहेगा और लड़ाई में रहेगा। प्रेमचंद को जानने के लिए, प्रेमचंद को देखने के लिए आ रहे हैं। कौन सा ऐसा शख्स था
जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे हमारे प्रेमचंद। सच तो यह है कि प्रेमचंद जी पहले कहानी बने, इसके बाद वो कहानीकार बने। समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। कहते हैं कि हालात से हुनर पैदा होती, इंसान है परिंदे, कदे हटा कर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, हटा कर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, और परिंदे भी कुछ पल में फड़फड़ाना सीख लेते हैं। गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसी कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेते हैं। तो समय के थपेड़ों ने प्रेम को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। शौकीन थे इसलिए हमने यहाँ पर हुक्का भी लगाया। प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर जो है चरखा जो लगाया। इधर कहानी संग्रह है उनका, ये जो है आए प्रेमचंद और उनकी धर्म पत्नी, ये जो है फोटो जो है वो, और इधर के जो है अन्य साहित्यकारों का भी यही है, वो जयशंकर प्रसाद के साथ। प्रेमचंद जी जो है वो जयशंकर प्रसाद के साथ है, जो कामायनी के सम्राट कहे जाते हैं। नारी तुम केवल सस्ता हो। और ये जयशंकर प्रसाद जी की भी जन्मस्थली वाराणसी है। वाराणसी, हाँ वही हमारे जो है चेलगढ़ के पास में सराय गोवर्धन पड़ता है वहीं पर, तो जो है वो। अब यहाँ से रुक किया सारनाथ की ओर, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ से ही बौद्ध धर्म पनपा और पूरी दुनिया में फैला। सारनाथ में ही सम्राट अशोक ने कई स्तूप बनवाए थे। उन्होंने यहाँ प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का भी निर्माण करवाया था। इस स्तंभ पर बने चार शेर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और स्तंभ का चक्र हमारे तिरंगे का चक्र है। डियर पार्क में स्थित धम्मेक स्तूप वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग का संदेश दिया था। धर्मराजी का स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। मूलगंध कुटी विहार का निर्माण गुप्त काल के दौरान का बताया जाता है। यह है चौखंडी स्तूप। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने पांच शिष्यों को सबसे प्रथम उपदेश सुनाया था। इसके ऊपर बना हुआ बुर्ज एक मुगल स्मारक है, जिसको अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल के पुत्र ने बनवाया था। सारनाथ में तिब्बत, चीन, जापान और थाईलैंड जैसे देशों के लोगों ने कई मंदिर और संस्थान बनवाए हैं। इन्हीं में से एक है काग्यू तिब्बत मठ, जिसे वज्र विद्या संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ का म्यूजियम भी अपने आप में बहुत खास है। यहाँ खुदाई के दौरान मिली शिल्पकृतियों को रखा गया है। सारनाथ वैसे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन इसे जैन धर्म में भी काफ़ी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसका नाम सिंहपुर है। कहा जाता है कि 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांशनाथ का जन्म यहीं हुआ था। शहर के बाहर गंगा के समीप लाट भैरव का अति प्राचीन उपासना स्थल है। ईदगाह परिसर के बीचों बीच भैरव बाबा की मूर्ति है। आम दिनों में नमाज एक किनारे चलती रहती है और पूजा पाठ भी होता रहता है। यहाँ हर साल बाबा लाट भैरव का विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें शहर की नगर वधुएँ और नृत्यांगनाएँ मुक्ति की कामना के लिए हाजिरी लगाती हैं। ये जगह वास्तव में हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब का एक अनुपम उदाहरण है। इसी बनारस की धरती पर लहरतारा नामक स्थान को संत कबीर की जन्मस्थली माना जाता है। कबीर भारत के महान संत और आध्यात्मिक कवि थे, जिन्हें हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास के माता पिता के बारे में सही साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। कबीरदास की कर्मभूमि पिपलानी कटरा के पास स्थित है, जहाँ उनके मठ को मूलगादी पीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में प्राण त्यागने से नरक में स्थान प्राप्त होता है। इसी धारणा को अपवाद सिद्ध करने के लिए अपने अंतिम समय में कबीर मगहर चले गए और वहीं अपना प्राण त्याग दिया। कबीर चौरा स्थान पर 2018 में NSD ने अपना एक्सटेंशन सेंटर शुरू किया है, जहाँ इंडियन क्लासिक थिएटर और नाट्यशास्त्र का एक साल का कोर्स होता है। यहाँ से पास ही स्थित है ऐतिहासिक गुरुबाग गुरुद्वारा। बेलूपुर में जन्म हुआ था जैनों के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का। आनंदबाग के पास दुर्गा कुंड नाम का स्थान है। यहाँ आदिशक्ति का दुर्गा मंदिर भी है। इस मंदिर और कुंड का निर्माण 18वीं सदी में बंगाल की महारानी ने करवाया था। तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक है, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है।
तुलसी मानस मंदिर से कुछ मिनटों की दूरी पर प्राचीन संकट मोचन मंदिर है। एक मान्यता के अनुसार इसी जगह पर हनुमान जी के दर्शन तुलसीदास को हुए थे। उन्हीं के कहने पर वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित होकर भक्तों के लिए स्थापित हो गए। काशी के कोतवाल काल भैरव समेत भोले की नगरी में 8 भैरव पीठ स्थापित हैं, जिन्हें कोतवाल की चौकियां कहा जाता है। इन्हीं अष्ट भैरव में से एक है कमच्छा स्थित बटुक भैरव मंदिर, जहां भैरव बाबा बाल रूप में विराजते हैं। भैरव अष्टमी पे सभी भैरव मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं, जिनमें केक काटा जाता है और मदिरा चढ़ाई जाती है। आजकल महंगे ब्रांड की स्कॉच चढ़ाने का भी बहुत चलन है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके परिसर में एक बेहद खास मंदिर स्थित है, जिसका नाम है भारत माता मंदिर। इसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। मंदिर भवन के मध्य में संगमरमर पर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका समेत अविभाजित भारत का एक मानचित्र है। अब यहाँ से सिगड़ा होते हुए मैं चल दिया गुदौलिया की तरफ। सिगड़ा क्षेत्र में पहुँचते ही 125 फीट की ऊंचाई वाले इस चर्च पर सहज ही निगाहें पड़ जाती हैं। सेंट पॉल्स चर्च लगभग 170 साल पुराना है। गुदौलिया को बनारस का कनॉट प्लेस कहा जा सकता है। यहाँ से आगे मैं पैदल पहुँचा दशाश्वमेध घाट पर, जिसको बनारस का चौपाटी कहा जा सकता है। इसी घाट पर होती है विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, जो कि इस वैश्विक महामारी की वजह से इन दिनों नहीं की जा रही। हर रोज पूरे विधि विधान से होने वाली इस आरती को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों के साथ VVIP और सेलिब्रिटीज भी इस मनोरम दृश्य का आनंद लेने वाराणसी आते हैं। यहीं साथ वाले घाट मान महल के निकट स्थित है भारत के 5 जंतर मंत्रों में से एक, जिसे बनवाया था जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने। शाम होते होते बनारस में चाट की दुकानें गुलजार होने लगती हैं। दशाश्वमेध घाट से मैं सीधा पहुंचा यहाँ की मशहूर काशी चाट भंडार। यहाँ की चाट और टिक्की के अलग ही जलवे हैं। टमाटर की चाट बनारस की स्पेशलिटी है और इस दुकान की टिक्की भी अपने आप में खास है। एक ही टिक्की पर 4 अलग अलग फ्लेवर दिए गए हैं। 4 अलग अलग हिस्सों में लाल चटनी, हरी चटनी, दही और मूली के स्वाद हैं। क्रश किए हुए नमक पारे की टॉपिंग्स और पुदीना धनिया की गार्निशिंग इसको वाकई लाजवाब बना देती हैं। ऐसी ही एक और खास दुकान है बनारस में, जिसका नाम है दीना चाट भंडार। इस तरह आज के दिन का भ्रमण कर मैं वापस पहुंच गया अपने होटल। शरीर थोड़ा थका हुआ था, मगर मन नहीं भरा था। अगर आप इस अंतिम हिस्से तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आशा करता हूं आपको भी बनारस दर्शन में आनंद आया होगा। धन्यवाद।